नमस्कार, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक समसामयिकी विषय से जुड़ा हुआ टॉपिक है, महाराष्ट्र का संवैधानिक संकट। आपने न्यूज़पेपर और टीवी पे ये मुद्दा देखा होगा, सुना होगा, तो अपन थोड़ा सा परीक्षा के लिहाज से इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उससे संबंधित अपन, ये पॉलिटिफाइंग का बड़ा मुद्दा है और आपको पता भी है कि अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जब से जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसी दौरान भी काफ़ी मुद्दा रहा था। सरकार पहले देवेंद्र फडणवीस बने थे, फिर उद्धव ठाकरे जी बने थे, बीच में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उससे रिलेटेड अपन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि देखते हैं। तो अक्टूबर के अंदर जब इलेक्शन हुआ था तो आपको बताऊं मैं, एक तरफ बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और दूसरी तरफ एनसीपी, कांग्रेस और ये पार्टियां थी, तो जिसमें बीजेपी और शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिल रहा था, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर के उनके बीच में जो खींचतान था उसकी वजह से शिवसेना और बीजेपी दोनों अलग अलग हो गए। और फिर जब कोई भी दल सरकार बनाने में मतलब सक्षम नहीं था और बनाने की उनकी कोई वो नहीं थी, सीटें नहीं थी पर्याप्त जो बहुमत का जो आंकड़ा था, तो फिर राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेजी गृह मंत्रालय को। आपको बताऊं मैं, छोटा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्यपाल क्या करता है, रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजता है और वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, राज्यों का एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, तो वहाँ एक रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद में आप ये भी देखते हो कि राष्ट्रपति शासन एकदम हट जाता है सुबह सुबह, और सुबह 8-9 बजे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले लेते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग भी गया, वापस हट भी गया, तो इसकी क्या क्या किस तरह से हटता किस तरह से लगता है उसके ऊपर भी अपन आज की क्लास में देखेंगे। आपको बताऊँ कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन जब हटाता है तो उसके लिए मंत्रिमंडल की अनुशंसा भी चाहिए, लेकिन और मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होती है उसकी जो अनुशंसा होती है वो भी चाहिए। तो अपन देखते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन हटा था तो उसमें किसने मंत्रिमंडल की बैठक हुई कि नहीं हुई मंत्रिमंडल, तो उससे रिलेटेड एक चीज़ उसमें भी एक विशेष प्रावधान है कि यदि भारत का प्राइम मिनिस्टर यदि उसको मतलब राष्ट्रपति जी से मतलब ये अनुरोध करता है तो उस आधार पर ये राष्ट्रपति शासन हट जाता है, तो उस आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2-3 दिन बाद जब वो अपना स्पष्ट बहुमत विधानसभा में नहीं रख पाए तो सरकार गिर गई और फिर से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलकर की सरकार बनाते हैं। तो अब ये बेंच एक अभी आके फंस गया है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे तो उनके पास विधानमंडल की सदस्यता नहीं थी, ये तो न तो विधानसभा के सदस्य थे न विधान परिषद के सदस्य थे। अभी आपको बताऊं कि अभी हम शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 164 की 4 में एक चीज लिखी हुई है, 164 में प्रावधान है कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न होते हुए भी मंत्री बन सकता है। क्या प्रावधान इसमें है, विधानसभा ऑब्लिक विधान परिषद का सदस्य न होते हुए भी छह माह तक मंत्री रह सकता है। ये आर्टिकल 164 के अंदर भारतीय संविधान के आर्टिकल 164(4) में एक लाइन लिखी हुई है, यदि आप विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हो तो भी आप 6 महीने तक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रह सकते हो, लेकिन इससे मां के भीतर आपको विधानमंडल की क्या लेनी पड़ेगी सदस्यता। अब पेंच ये जो महाराष्ट्र है इसी चीज को लेकर के है, क्योंकि आपको बताऊं कि देव उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी 28 नवंबर को, कब ली थी
28 नवंबर। अब 28 नवंबर को उन्होंने शपथ ली तो इसके 6 महीने 28 मई को पूरे हो रहे हैं, पूरे हो रहे 28 मई। अब 28 मई को 6 माह पूरे हो रहे हैं तो आपको बताऊं कि 28 मई को 6 माह पूरे हो जाएंगे तो यदि ये विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य नहीं हुआ तो इनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये इसे लेकर के कई सारे मतलब ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। तो इसका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये विधानसभा विधान परिषद इसके अंदर इसकी संरचना क्या है, क्या क्या प्रावधान है, उससे रिलेटेड अपन परीक्षा में काफी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए अपन अपना जो भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदात्मक जो प्रणाली है, ये अपने कहाँ से ली? इंग्लैंड से ली। ध्यान रखना, अपनी जो संसदात्मक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ये अपने इंग्लैंड से लिया है। आपको बताऊं कि केंद्र पर सेंट्रल लेवल पर केंद्र पर 30 संविधानात्मक व्यवस्था है, 30 संविधानात्मक व्यवस्था। अब 30 संविधानात्मक व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा, और अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। इसी तरह से राज्यों के अंदर एक विधानमंडल है और विधानमंडल में लोअर हाउस विधानसभा है और अपर हाउस क्या है? विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, अपने राज्य के स्तर पर एक विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद। आप इन दोनों का थोड़ा सा देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए, ये आपका लोअर हाउस है, ये आपका अपर हाउस है। जैसे लोकसभा है उसी तरह से विधानसभा, और राज्यसभा उसी तरह से विधान परिषद। और विधानसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 में है, और इसका जो प्रावधान है, ये प्रावधान है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का प्रावधान। अब अपन देखते हैं कि विधानसभा में आपको पता है कि एमएलए प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्रावधान है, क्या सिस्टम है? तो आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद के अंदर जो सदस्यता, जो सदस्य होंगे, तो कितने सदस्य होंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जो विधानसभा के जो मेंबर होंगे उनका एक तिहाई से ज्यादा नहीं। देखिए, विधानसभा सदस्य का सदस्य की एक तिहाई से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, और कम से कम कितने होंगे? जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य है, तो उसका एक वन थर्ड करके तो लगभग 66 सदस्य आते हैं। तो राजस्थान के अंदर यदि विधानसभा विधान परिषद यदि प्रावधान में हो तो वहां पे कितने सदस्य अपने चुने जाएंगे विधान परिषद से? 66। और इनके जो सदस्य वो 40 से कम नहीं होंगे, ध्यान रखना, 40 से कम नहीं। यानी विधानसभा सदस्य जितने हैं उनका एक थर्ड, वन थर्ड से ज्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के भी यहां पर ध्यान रखना, यहां पे अधिकतम कितने होंगे सदस्य? अधिकतम, यहां अधिकतम सदस्य का प्रावधान है 500, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। और न्यूनतम जो सदस्य होंगे, तो न्यूनतम यहां पे सदस्य हो सकते हैं 60। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हो कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500, न्यूनतम हो सकते 7। इसी तरह से विधान परिषद में वन थर्ड होगा जितने सदस्य उसका, और मिनिमम कितने होंगे? 40। लेकिन कई इसमें भी अपवाद है, कई ऐसी स्टेट है जहाँ पे 60 से कम है, तो एक दो स्टेट ऐसे है जहाँ पे कम है, लेकिन आपको सामान्य ये ध्यान रखना है कि 500 से ज्यादा नहीं और 60 से कम। अब अपन देखते हैं कि विधान परिषद के अंदर जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जैसे आर्टिकल 171 में प्रावधान है कि ये जो विधान परिषद के अंदर है जो सदस्य है, वन थर्ड जो सदस्य होंगे, तो वो किस किस प्रश्न होंगे, इसलिए उनका किस तरह से चुनाव होगा, उनका इलेक्शन कैसे होगा, या फिर उनको नॉमिनेट करेंगे राज्यपाल, तो उसके अंदर क्या क्या है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि विधानसभा की संरचना देखते हैं अपन।
संरचना स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसके विधान परिषद के 1/3 सदस्य, कितने 1/3 सदस्य है, इनको कौन चुनेगा, 1/3 सदस्य को चुनेंगे एमएलएस, कौन चुनेंगे एमएलएस, जो आपकी विधानसभा है, इस विधानसभा के जो एमएलएस है 1/3, तो 1/3 जो सदस्य होंगे विधान परिषद के उसको कौन चुनेगा, एमएलएस। फिर देखते हैं 1/3 जो सदस्य होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे नगरपालिका, राजस्थान में जो नगरपालिका है उसके मेंबर, या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनके मेंबर 1/3 सदस्य चुनेंगे। उसके बाद में 1/12 सदस्य, कितने 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य को चुनाव होगा वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना इसके अंदर आप बताऊंगी, जो आपने राजस्थान के अंदर जो हायर एजुकेशन या फिर जो स्कूल के अंदर जो टीचर्स है वो सिलेक्ट करेंगे टीचर्स के द्वारा, ठीक है। और टीचर्स कौन कौन, जैसे हायर एजुकेशन या हायर स्कूल और राजस्थान हायर एजुकेशन, तो इसके जो टीचर्स होंगे तो वो 1/3 भाग है जो सदस्यों का वो ये चुनेंगे, और पीछे रहेंगे 1/12 ये जो सदस्य है इनका जो चुनाव होगा इसको आपको ध्यान रखना है, रजिस्टर्ड जो ग्रेजुएट होते हैं, रजिस्टर्ड जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हो गए 1/12 और शेष रहेगी 1/6 जो सदस्य है इनका क्या होता है, नॉमिनेशन होता है, क्या होता है, नॉमिनेशन बाय गवर्नर, ये आपको ध्यान रखना है, इनका क्या होगा, नॉमिनेशन बाय गवर्नर, नॉमिनेशन बाय गवर्नर, ये देखिए 1/3 सदस्य एमएलएस, 1/3 सदस्य नगर पालिका या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, 1/12 सदस्य टीचर्स के द्वारा, और वो टीचर्स हायर स्कूल के हो सकते हैं या फिर हायर जो अपनी राजस्थान के अंदर एजुकेशन वहां से हो सकते हैं, और 1/12 सदस्य है वो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट है वो करेंगे, और 1/6 सदस्य है इनका क्या करते हैं, राज्यपाल क्या करता है, इनका मनोनयन करता है। अब देखना इसका मनोनयन आपको बताऊं मैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा के अंदर जो मनोनयन किया जाता है तो उसका आधार क्या है, देखा आपको ये भी ध्यान रखना मनोनयन का क्या क्या आधार हो सकता है, तो चार चीजें हैं आपको ध्यान रखना, सबसे पहले साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और सोशल सर्विसेज। ये पांच है जिनके आधार पर राज्यपाल क्या करता है, सदस्यों का मनोनयन करता है। अब अपन देखते हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर क्या क्या चीज, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने भाई उद्धव ठाकरे ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा नहीं, तो उसके पास में एक ऑप्शन है विधान परिषद का। आपको बता दूं राजस्थान के अंदर पूरे भारत के अंदर विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में है वो भी आपको ध्यान रखना है, तो विधान परिषद का जो उल्लेख है वो आपको ध्यान रखना किस किस स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बिहार, छह राज्यों के अंदर विधान परिषद का खोल देते हैं। अब अपन देखते हैं कि आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर भी देखो विधान परिषद का गठन कैसे होता है, उससे रिलेटेड भी आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ कि इसका गठन किस तरह से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद का जो गठन होता है, एक विधानसभा द्वारा एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है, एक प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाता है,
रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन पारित विधानसभा द्वारा किया जाता है और इसमें क्या होता है, जो मेजोरिटी होती है वो उपस्थित जो सदस्य है उसके दो तिहाई से ये प्रस्ताव पारित किया जाता है, दो तिहाई सदस्य। और फिर इस प्रस्ताव को ध्यान देना, इस रेजोल्यूशन को, संकल्प प्रस्ताव को कहां भेजा जाता है, संसद के पास भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है, ध्यान देना, इसको संसद के पास भेजा जाता है। और फिर क्या करती है संसद, तो संसद क्या करती है, कानून बनाती है। क्या बनाती है, कानून। ध्यान देना, संसद क्या बनाती है, कानून। तो संसद कानून बना करके राज्यों के अंदर विधान परिषद का क्या करती है, गठन करती है। तो ध्यान रखना है कैसे होता है, विधानसभा द्वारा ही विधान परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। देखिए जो संकल्प प्रस्ताव होता है, जो रेजोल्यूशन होता है, वो पारित कौन करती है, विधानसभा करती है। जो मेजोरिटी के साथ जो उपस्थित सदस्य है उसके दो तिहाई से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाता है और संसद क्या करती है, कानून बनाती है। और कानून बना करके क्या किया, विधान परिषद का गठन। आपको राजस्थान का बता दूं मैं कि राजस्थान में ऐसा प्रस्ताव संसद के पास भेजा हुआ है, लेकिन संसद ने अभी तक कानून बनाकर राजस्थान के अंदर विधान परिषद के गठन का प्रावधान नहीं किया। ध्यान रखना है कि विधानसभा ही प्रस्ताव बनाती है, यहाँ से रेजोल्यूशन पारित करती है, दो तिहाई से किसके पास भेजते हैं, संसद के पास में, और संसद कानून बनाती है, कानून बनाकर भी क्या गठन किया जाता है, विधान परिषद। अब देखिए चूंकि उद्धव ठाकरे यहाँ तो सदस्य रहेंगे तो उनके पास में एक ऑप्शन है विधान परिषद का। आपको मैं थोड़ा सा इसके मैं आपको बैकग्राउंड में जाता हूँ, देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि अक्टूबर के अंदर आपको बताऊँ कि लगभग इस विधान परिषद के अंदर 9 सीटें वैकेंट थी। कितनी सीटें वैकेंट थी, इस विधान परिषद के अंदर कितनी सीटें वैकेंट थी, 9 सीटें, 9 सीट वैकेंट थी। अब इस 9 सीट जो वैकेंट थी इसके ऊपर इलेक्शन कराने का जो आपको बताओ कि ये आपके 9 सीटें वैकेंट थी विधान परिषद के अंदर, ठीक है, विधान परिषद महाराष्ट्र की जो विधान परिषद है यहाँ पे 9 सीटें वैकेंट थी। तो इस 9 सीटों पर चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 22 मार्च को एक 26 मार्च है, ठीक है, 22 मार्च को तो अपना कर्फ्यू लगा था जनता, तो 26 मार्च को एक आपको बताऊं कि प्रस्ताव पास किया था, मतलब प्रस्ताव में 26 मार्च को ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईसी ने शेड्यूल जारी किया इलेक्शन कि भाई विधान परिषद के इलेक्शन होंगे 26 मार्च को। तब उद्धव ठाकरे जी के पास में एक ऑप्शन था कि मैं इस 26 मार्च के इलेक्शन में विधान परिषद के थ्रू में सदस्यता ले लूंगा, लेकिन आपको बता रहा था 26 मार्च को सेट जारी हुआ, लेकिन कोविड 19 के कारण जो ईसीए ने क्या किया, अनिश्चित काल के लिए जो शेड्यूल था उसको क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। क्या कर दिया, पोस्टपोन। अब ये जब पोस्टपोन हो गया, अब क्या पता कब होंगे, जब स्थिति सामान्य होगी तब इलेक्शन होंगे, तब तक उनके तो लास्ट डेट क्या है, 28 मई। 28 मई तक ये रह सकते, 27 मई तक रह सकते, 28 तक का कार्यकाल पूरा होगा 6 माह का। तब ये वजह होने के कारण तो यहाँ जो 9 सीटें वैकेंट थी तो ये ऑप्शन तो उनके पास में अभी है नहीं, जो कि उद्धव ठाकरे जी पहले इनके पास भी ऑप्शन था जो कि 9 सीटें वैकेंट थी, लेकिन जब ये इलेक्शन पोस्टपोन हो गए तो इनके पास में ये विकल्प रहा। तब देखिए कई ऐसे जो इनके मंत्रिपरिषद के जो कुछ मेंबर थे, कुछ मंत्री थे, उन्होंने एक सुझाव दिया कि यहाँ से नहीं हो सकता है तो आपको बताऊं कि राज्यपाल क्या करता है, 1/6 सदस्य है उसका क्या करता है, नॉमिनेशन करता है। तो क्यों ने उद्धव जी को यहाँ से नॉमिनेट करा दिया जाए, और इसमें भी आपको मैं बताऊं कि जब अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हुए थे तब एनसीपी के दो सदस्य थे जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दिया, जिसको राज्यपाल ने मतलब नॉमिनेट किया था उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा। तो यहाँ भी कितनी सीट वैकेंट है, 2 वैकेंट। ध्यान रखना जो 1/6 सदस्य, यहाँ भी कितनी सीट वैकेंट है, 2 सीट वैकेंट, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो यहाँ पे कितनी सीट वैकेंट है, 2। तब 2 सीट वैकेंट है तो उद्धव जी को राज्यपाल या इसी के थ्रू उनको विधान मंडल की सदस्यता हासिल हो सकती है, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन इस ऑप्शन में भी थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि
आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या प्रावधान होता है, जैसे राज्यपाल किसको नॉमिनेट करता है, राज्यपाल यूं थोड़ी है कि भाई जैसे मान लीजिए राज्यपाल को लग गया कि भाई ये इसका साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के अंदर अच्छा योगदान है और इसको बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है, उसमें भी एक प्रावधान होता है। आपको बताऊं मैं जो यहाँ से जो नॉमिनेशन का जो प्रावधान है उसमें क्या होता है कि वहाँ की जो स्टेट की जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या करती है, एक आपको बताऊं कि राज्यपाल से अनुशंसा करती है कि भाई इस रिकमेंड करती है राज्यपाल से कि भाई इस व्यक्ति को इस जिस भी सेवा, जैसे मान लीजिए अपन देखते भाई जैसे मानो साहित्य केंद्र जैसे वो उसका मतलब जैसे मैं उसकी साहित्य केंद्र पकड़े या साहित्य क्षेत्र में उसकी पृष्ठभूमि है तो साहित्य क्षेत्र से पृष्ठभूमि के व्यक्ति को नॉमिनेशन किया जाए विधान परिषद के अंदर, तो वहाँ की जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यपाल से क्या करती है, अनुशंसा करती है। अब एक चीज ये भी है कि उद्धव ठाकरे जी साहित्य कला विज्ञान साहित्य और सोशल सर्विस यहाँ पे काफी फिट होंगे। एक चीज यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई उनको कौन से क्षेत्र से सदस्यता मिलेगी, साहित्य के अंदर उनकी पृष्ठभूमि नहीं है मान लो, कला केंद्र नहीं है, विज्ञान केंद्र नहीं है, साहित्यता केंद्र नहीं है और सोशल सर्विसेज केंद्र है नहीं है, तो इसके ऊपर अपन थोड़ा सा इसके भी बैकग्राउंड जानते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए सोशल सर्विस की बात करता हूँ मैं आपको, मैं बताऊँ कि सोशल सर्विस की बात करूँ तो एक जजमेंट है 1961 का, कब का है 1961 का एक जजमेंट है कि यूपी के अंदर चंद्रभान गुप्ता, देखिए 1961 में यूपी में चंद्रभान गुप्ता इनको सीएम बनाया था, नॉमिनेट करके कैसे बनाया गया सीएम, 1961 में यूपी में चंद्रभान गुप्ता को नॉमिनेट किया, क्या किया इनको नॉमिनेटेड करके यूपी के अंदर क्या बनाया, सीएम बनाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिस भी मतलब जो भी सदस्य है यदि उसकी पृष्ठभूमि पॉलिटिक्स है, यदि पॉलिटिक्स क्षेत्र से आता है तो पॉलिटिक्स को ही सोशल सर्विस माना जाएगा, क्या माना जाएगा, पॉलिटिक्स को क्या माना जाएगा, सोशल सर्विस। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था पॉलिटिक्स को सोशल सर्विस, सोशल सर्विसेज का क्षेत्र माना जाएगा। तो एक चीज ये है कि उद्धव ठाकरे एक रास्ता ये साफ हो गया कि ये सोशल सर्विसेज के थ्रू और राज्य सोशल सर्विसेज के थ्रू विधान परिषद का सदस्य नॉमिनेट हो सकता, तब नॉमिनेट होगा दो सीट खाली है और इस क्षेत्र से जा सकते हैं, तो ऐसा सुझाव उनके मंत्री जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य थे उन्होंने इस तरह का एक सुझाव दिया। तो जो दो सीट खाली है इसका क्या होता है कि आपको मैं बताऊं कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या करती है, राज्यपाल से क्या करती है, अनुशंसा करती है, उस आधार पर राज्यपाल करते हैं। तो यानी मंत्रिपरिषद राज्यपाल से क्या करती है, अनुशंसा रिकमेंड करती है राज्यपाल से कि भी इस व्यक्ति को इस क्षेत्र के अंदर विधान परिषद के सदस्य के तौर पे नॉमिनेट किया है। लेकिन आपको बताऊं कि अनुशंसा भी महाराष्ट्र सरकार ने कर दी है और वर्तमान में जो महाराष्ट्र सरकार के जो राज्यपाल है, सरकार में राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है आपको बताऊं, और भगत सिंह जो कोश्यारी राज्यपाल है उन्होंने रिकमेंड भी कर दी है, लेकिन राज्यपाल ने एक महीना हो गया लगभग कि उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है, और तब यहाँ की सरकार है वो हाईकोर्ट भी गई, मुंबई हाईकोर्ट भी गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने भी मामले को क्या कर दिया है, ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये राज्यपाल का मामला है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। तो अब पेंच ये फंसता है कि जब राज्यपाल ने मना कर दिया है और यहाँ पे जो राज्यपाल है हाईकोर्ट ने मना कर दिया, यहाँ का जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, अब उसके ऊपर टिका हुआ है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं इसके ऊपर। और आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति जो अपने केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उनकी जो अनुशंसा है उसके आधार पर राष्ट्रपति जी करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा कि भगत सिंह कोश्यारी इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, तो अब ये क्या डिसीजन लेंगे। तो इनके पास में एक ऑप्शन ये था, लेकिन इस ऑप्शन में एक चीज ये भी है कि राज्यपाल को जो मंत्रिपरिषद की जो अनुशंसा होती है उसको मानना भी पड़ता है कई बार। तो अब ये व्यक्ति अनुशंसा को मानते हैं या इनको नॉमिनेट करते हैं, तो एक ऑप्शन ये है।
और दूसरा ऑप्शन आपको बताऊं कि ये सोशल सर्विसेज के थ्रू विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। अब इसके अंदर एक कानूनन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको मैं इसमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि 1951 का एक कानून है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। देखिए थोड़ा सा इसको आप देखिए, जन प्रतिनिधि कानून 1951, जन प्रतिनिधि कानून 1951। तो जन प्रतिनिधि कानून 1951 के तौर पे हम देखते हैं तो उसमें ये प्रावधान है कि इसकी एक धारा है सेक्शन, इसकी एक सेक्शन है 151A। कौन सी सेक्शन है? 151A। इस 151A में एक प्रावधान है कि जैसे मान लीजिए कि दो सदस्य ने इस्तीफा दिया तो इनका जो कार्यकाल है ना वो कार्यकाल एक वर्ष से कम नहीं, क्या होना चाहिए? एक वर्ष से कम। तो अब देखो इनके जो सदस्य है इन्होंने इस्तीफा अक्टूबर में दिया था और इनका कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है जून में, तो कम से कम जैसे मान लीजिए इनका कार्यकाल है वो एक वर्ष तक, एक वर्ष देखो आप इनकी कितना रहा है, एक वर्ष अक्टूबर में दिया है तो इसका जून में खत्म हो रहा है, तो उस आधार पर भी मतलब ये इनका इलेक्शन नहीं किया क्योंकि उनका कार्यकाल एक वर्ष ही रहा है, कितना रहा है? एक वर्ष। तो एक वर्ष कार्यकाल रहा है तो उस आधार पर भी ये यहाँ से नहीं आ सकते है। और तो कई लोगों ने ये भी माना है कि जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष वाला कम वाला जो प्रावधान है तो उसमें जैसे मान लीजिए ये इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं उस पर लागू होता है, नॉमिनेट पे इसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो क्या इलेक्टेड पे लागू है क्या नॉमिनेशन पे लागू है, तो ये प्रावधान भी उद्धव ठाकरे जी के पास नहीं है। अब एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किस तरह से जैसे मान लो इनका कार्यकाल 28 मई को पूरा हुआ है, अब उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया मान लीजिए जैसे 28 को पूरा हो रहा है इन्होंने क्या किया 27 को इस्तीफा दे दिया, ठीक है 27 को इन्होंने क्या कर दिया रिजाइन कर दिया, इन्होंने 27 को रिजाइन कर दिया तो 27 को रिजाइन करके 28 को वापस शपथ ली, 28 का भी वापस शपथ ली, 27 को रिजाइन कर दिया और 28 को क्या ले ली वापस शपथ ली। तो इसके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूनी ने 27 को आपने रिजाइन दिया फिर से आपने 28 को शपथ ले ली और फिर 6 महीने तक और आपको कार्यकाल मिल जाएगा, 6 महीने तक स्थिति और सामान्य होगी तो आप उस 6 महीने के भीतर कभी भी विधान परिषद या विधानमंडल की सदस्यता ले सकते हो, और मान लीजिए उस दौरान भी नहीं हुआ तो फिर से आपने इस्तीफा देकर के फिर शपथ ले ली फिर 6 महीने और चल गए। तो ये प्रावधान इसके ऊपर मैं बताऊं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि पंजाब सरकार का एक मंत्री था, काफी इंपॉर्टेंट है इसको आपको ध्यान रखना, पंजाब सरकार का एक मंत्री था तेज प्रकाश सिंह देशीधर, ये जो मामला है इस्तीफा वाला इसके ऊपर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको बता रहा हूं जजमेंट का, देखिए तेज प्रकाश सिंह ये पंजाब में क्या थे मिनिस्टर थे, ठीक है तो तेज प्रकाश सिंह को भी 1995 के अंदर मंत्री बनाया बिना सदस्य, उनके पास ना तो विधानसभा की कोई सदस्यता नहीं थी और उनको 1993 में क्या बनाया था मंत्री बनाया, लेकिन जब इनका कार्यकाल खत्म तो हुआ तो इन्होंने क्या किया पहले इस्तीफा दिया और फिर से क्या ले ली दोबारा शपथ ले ली। तो इसका जो मामला था वो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में और आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में एक फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि इस तरह से इस्तीफा देना और वापस शपथ लेना ये क्या है कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना है जो संवैधानिकता है वो क्या है उसको उसके समक्ष ये कानून दृष्टि से देखा जाए तो ये सही नहीं, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया असंवैधानिक करार दिया, क्या करार दिया असंवैधानिक या अनडेमोक्रेटिक या अनवैलिड बता दिया इसको। तो जब इसको अनवैलिड बताया 2001 में तब तक तेज प्रकाश सिंह का तो कार्यकाल पूर्ण हो गया, लेकिन जो ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है भविष्य के अंदर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके ऊपर ये बिल्कुल लागू होता है, और यदि महाराष्ट्र के अंदर यदि उद्धव ठाकरे जी यदि इस्तीफा देते हैं फिर से शपथ लेते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2001 वाला ये जजमेंट इस जजमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ये दखल दे सकता है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इन्होंने पहले से ही इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको क्या करार दिया है असंवैधानिक करार।
तो कहने का मतलब है कि जो रास्ता है देखिए, सबसे पहला रास्ता था विधान परिषद का था, जहां पे रोज की वैकेंट थी, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। इलेक्शन होने थे 26 मार्च को, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गए। सेकंड के पास में ऑप्शन था कि 1/4 सदस्य है जिसका नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और उसमें जो सोशल सर्विसेज है इनको जो पॉलिटिक्स है उसको सोशल सर्विस माना गया है। और ये भी जजमेंट था 1961 के अंदर यूपी में चंद्रभान जो गुप्ता सीएम बने थे उनका नॉमिनेशन के द्वारा ही वो सीएम बने थे, तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स को भी किसमें माना, सोशल सर्विसेज के अंदर माना। तो इस आधार पर भी इनका हो सकता है विधान परिषद के अंदर नॉमिनेशन, लेकिन यहाँ पर दो सीट वैकेंट है। अब दो सीट वैकेंट है तो इनका भी जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का था, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। और फिर थर्ड चीज ये है कि यदि इस्तीफा देते हैं और वापस से शपथ लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट 2001 पड़ा, इन्होंने क्या इस प्रकार या इस जो ये जो सिस्टम है इसको क्या करार दिया, असंवैधानिक करार दिया। अब मामला ये है कि उद्धव जी ये भी कर सकते हैं कि खुद इस्तीफा दे करके अपने बेटे को बना सकते हैं, या फिर अपने जो पसंदीदा जो भी है अपने जो कैबिनेट के अंदर या फिर मंत्रिपरिषद के अंदर उनको बना सकते हैं, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और उनको बनाते हैं। तो फिर मान लीजिए आगे इलेक्शन होते हैं विधान परिषद के, और इलेक्शन होते हैं तो खुद जीत करके दोबारा खुद भी बन सकते हैं। तो इस तरह का एक महाराष्ट्र के अंदर एक संवैधानिक संकट आके खड़ा हो गया है, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था जिस समय सीएम बने थे, तो उस समय ऐसा नहीं था कि भाई ये कोविड-19 की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन्ड होंगे और इलेक्शन होंगे नहीं, और इस तरह से पहले से ही था कि 9 सीटें वैकेंट है। तो उद्धव जी इस 9 सीट वैकेंट है तो विधान परिषद के थ्रू आ जाएगी विधानमंडल के अंदर, लेकिन कोविड की वजह से अब स्थिति ऐसी बन गई है कि अभी राज्यपाल पर टिका है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की जो अनुशंसा है उसके आधार पर यदि नॉमिनेशन कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि राज्यपाल कोई डिसीजन नहीं दे रहा है, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, और अब बात सुप्रीम कोर्ट की है जो अपना उच्च न्यायालय है, वहां भी यदि उच्चतम न्यायालय है वहां पर भी ये मामला जाता है तो वहां पर क्या रहता। तो इस तरह से ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। आपको बताऊं परीक्षा के लिए ऐसे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, विधानसभा से रिलेटेड, विधान परिषद से रिलेटेड, कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है और विधान परिषद का गठन कैसे होता है, रेजोल्यूशन कौन पारित करता है, विधानसभा करती है, जो मेजोरिटी होती है 2/3 सदस्य की उसके आधार पर ये किसके पास भेजा जाता है, संसद के पास भेजा जाता है, और संसद क्या करती है, कानून बनाती है, कानून बना करके राज्यों के अंदर विधान परिषद का गठन करती है। राजस्थान में ऐसा कर रखा है, लेकिन राजस्थान के अंदर संसद ने अभी तक कानून नहीं बनाया। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो टॉपिक है अपना करंट से लिंक है, इसकी जो विधान परिषद की जो संरचना है इसका आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 171 के अंदर है। विधान परिषद का जो प्रावधान है आर्टिकल 169 में है, और विधानसभा का है 170 में है, और इसकी जो संरचना है जो सदस्य है इसका किस तरह से वो विधान परिषद के जो मेंबर है उनका चुनाव किस तरह से होगा, कौन कौन किस किस पृष्ठभूमि के सदस्य होंगे, उस आधार पर ये इसकी संरचना है वो आर्टिकल 171 के अंदर। तो इस तरह से ये महाराष्ट्र का संवैधानिक एक संकट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस उत्पन्न हो गया है जो परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आप इस मुद्दे को देखिए, पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। धन्यवाद।